हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 21 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। हमारे कुछ व्यूवर्स ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम 21 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस बनाना सिखाएं, तो आज हम आपको इस तरह का, इस डिज़ाइन में 21 नंबर का के कान्हा जी का ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। तो ड्रेस बनाने के लिए हमें नाप की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए हमने 21 नंबर के कान्हा जी के लिए हमने नाप रखा है। लंबाई हमने लिया है 11 इंच, कमर 15 इंच, आगे का भाग जिसे हम चेस्ट बोलते हैं 9 इंच, पीछे का भाग जिसे तीरा बोलते हैं 10 इंच, मुड्ढे की गोलाई जो है वो 13 इंच हमने लिया है, बाजू की लंबाई 8 इंच, गले की गोलाई जो है वो 18 इंच हमने लिया है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। चोली बनाने के लिए सबसे पहले हमने 80 चैन बना लिया है, ये हमने 80 चैन बनाया है। अब इसको 1, 2, 3 चैन छोड़ करके चौथे चैन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से हर एक चैन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना करके ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। ये बनने के बाद हमारा 14 इंच तैयार हो गया है। हमें कमर 15 इंच चाहिए, तो 1 इंच हम बटन पट्टी बनाएंगे। फिर से हम 2 चैन लेंगे, यहाँ पर हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, बाकी जितने चैन हैं उसमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तीन इंच तक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 इंच तक हम बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 3 इंच तक हमने यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब इस वाले चैन में 2 बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक फिर चैन लेंगे, फिर इसी होल में एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। बाकी के सारे चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ तक, इधर हम 3 इंच छोड़ देंगे। तो चलिए बना करके फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है, ये पूरा टोटल हमारे पास 7 इंच तक है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 7 इंच हैं। अब यहाँ पर हमने चैन गिन लेना है। ये सिंगल क्रोशिया जो है जितना हमने बनाया है इसको गिन काउंट कर लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे हमने बनाया है और 20 सिंगल क्रोशिया इधर भी होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
18, 19 20। अभी यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पे चैन लेंगे और फिर से इसी में एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी सारे चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 20 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3, 4, 5, 6। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। यहाँ से हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 सिंगल क्रोशिया इधर हैं और 20 सिंगल क्रोशिया इधर हैं। बीच में जो हमारे पास है वो 7 इंच है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 7 इंच है। अब हम इसको, ये हमारा इस तरह से बनेगा। इस तरह से एक इंच हमने छोड़ा है बटन पट्टी के लिए, तो यहाँ पर हम बटन पट्टी बनाएंगे। बाकी ये हमारा चोली हो जाएगी। अब आगे हमें क्या करना है, फिर से 2 चैन लेना है। एक बार हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर बाकी सारे चैन में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है, अगला यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे और यहाँ आने के बाद फिर से हम एक ही चैन में, एक ही होल में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक हम आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने बना लिया है। अब यहाँ पर हम एक ही होल में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार फिर से चैन लेंगे, एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी के सारे चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ आने के बाद हम एक ही में फिर से इस तरह से बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम बनाते हुए 4.5 इंच तक बनाएंगे। यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, यहाँ पे एक ही होल में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक बार सिंगल क्रोशिया, बीच में चैन लेंगे, फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और यहाँ पे फिर से हमें एक ही चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से बनाते हुए हमें 4.5 इंच तक बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, 4.5 इंच तक बना करके फिर आगे हम आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 4.5 इंच तक हमारा बन गया है। मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए 4.5 इंच तक है। ये 1 इंच हमारा बटन पट्टी छूट गया है। यहाँ तक हमने एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया है, बीच में चैन लिया है, फिर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। लास्ट वाली लाइन में हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया है, एक चैन लिया है,
और दो बार फिर से उसी होल में सिंगल क्रोशिया बनाया है दो बारी। तो लास्ट वाली राउंड हमारा इस तरह से करना है। ये हमारा इतना बन गया। इसकी चौड़ाई हमारे पास 10 इंच है। ये क्रोशिया की बुनाई है तो इसलिए थोड़ी सी सिकुड़ रही है। पहनते पहनते जब थोड़ा सा ढीला हो जाएगा तो ये हमारा साइज़ कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए 10 इंच हो गया। अब हमें क्या करना है, दो चैन हमने लिया है, एक बार सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाना है, बाकी के सारे डबल क्रोशिया हमें इस चैन में बनाना है। इस तरह से हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें यहाँ तक आना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें मुड्ढे की कटिंग करनी है तो इसलिए हम यहाँ पर 1 2 3 तीन चैन छोड़ करके यहीं से टर्न कर लेंगे। हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना करके ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ये कान्हा जी की चोली जो है बड़ी है, करीब साल भर, साल या 1.5 साल के बच्चे के बराबर ये चोली बनेगी, तो इसलिए इसको हम जैसी सबकी चोली बनाई जाती है उस तरह से ना बना करके, जैसे शर्ट बनता है उस तरह से बनाएंगे। तो इसमें मुड्ढे की कटिंग ज़रूरी है। ये ड्रेस हम आपको दो हिस्सों में बताएंगे। चोली अलग रहेगी इसकी और नीचे की घाघरा जो है, घेरा जो है वो अलग रहेगा। ये हम अपने व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। फिर से हम दो बार चैन लेंगे, इसको टर्न करके फिर से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। तो चलिए बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने बना लिया है। अब यहाँ से हम ये दो सिंगल क्रोशिया छोड़ देंगे और यहाँ से फिर से हम दो चैन बना करके इसको टर्न करके हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारी ये कटिंग होती जाएगी। अब फिर से हमने दो चैन बना लिया है, इसको टर्न करके फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जिस तरह से हम स्वेटर में कटिंग करते हैं उसी तरह से हमें इसमें भी कटिंग करनी है।
यहाँ तक हमने बना लिया है। अब ये दो चैन हम ये दो सिंगल क्रोशिया जो है जैसे हमने यहाँ पे छोड़ा है उसी तरह से यहाँ पर छोड़ करके यहीं से टर्न कर हो जाएंगे। बाकी सारे चैन में एक एक बार सिंगल डबल क्रोश सिंगल क्रोशिया बना के ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हमने इसको टर्न कर लिया है। हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ फिर से हमने दो सिंगल क्रोशिया को छोड़ दिया है। अब यहाँ पे हम दो चैन बना करके टर्न कर लेंगे और हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना करके ये राउंड कंप्लीट करेंगे। चलिए बना के फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक दो तीन सिंगल क्रोशिया छोड़ करके यहाँ से टर्न कर लेंगे। दो चैन लेकर के एक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, बाकी सारे चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमने गले की कटिंग करी थी। अब इस तरफ जो हम बाजू की कटिंग कर रहे थे वो अब नहीं करेंगे। इसको कटिंग करना अब हम बंद कर देंगे। अब सीधे सीधे हमें ये मुड्ढा तैयार करना है। तो यहाँ पे दो चैन लेंगे हम। इस तरह से देखिए, अब यहाँ पे हमने कोई थोड़ा क्रोशिया नहीं छोड़ा है। अब इस साइड में हम सीधे सीधे बुनेंगे और गले की तरफ कटिंग करेंगे। इस तरफ सीधा बुनेंगे, गले की तरफ तीन तीन फंदे हम छोड़ते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमने बना लिया है। इधर हमने कटिंग करना बंद कर दिया था। अब इस तरफ हमने पहले तीन फंदे तीन सिंगल क्रोशिया छोड़ी थी, अभी हम दो सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे। इस तरह से दो चैन लेंगे, फिर टर्न कर लेंगे और हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना करके ये लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। मुड्ढे की तरफ हमने एक भी फंदा नहीं छोड़ा है। इस तरफ हमने तीन सिंगल क्रोशिया छोड़ दिया है, एक दो तीन। इसको छोड़ करके फिर से दो चैन बनाएंगे और इसको टर्न करके ये राउंड कंप्लीट करेंगे।
इस तरह से हमारी ये गले की कटिंग होती जाएगी। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब फिर से यहाँ पे हमने दो सिंगल क्रोशिया छोड़ दिया है, फिर से दो चैन बनाएंगे और इसको टर्न कर लेंगे और एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और लगभग हमारी चोली भी एक साइड का कंप्लीट हो गया है। चोली की लंबाई हमें चाहिए थी 11 इंच। ये देखिए, हमारे पास यहाँ पे 11 इंच ये चोली लंबाई कंप्लीट हो गई है। ये गला हमारा जो है वो यहाँ से 5 इंच तक है और ये मुड्ढे की गोलाई जो है वो 6.5 इंच के लगभग है। तो इसी तरह से हम इस साइड का भी पल्ला तैयार करेंगे। अब हम चलिए यहाँ पे बीच में कटिंग कैसे करनी है ये आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पीछे की कटिंग करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने तीन सिंगल क्रोशिया छोड़ा था, 1 2 3। अब इस साइड में भी हम 3 छोड़ेंगे, 1 2 3, 3 छोड़ करके यहाँ पर धागा लगाएंगे। यहाँ से हम बुनना शुरू करेंगे। दो चैन लेंगे, एक बार यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, बाकी सारी चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बनाएंगे। तो चलिए बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने बना लिया है। इस साइड में हमने 1 2 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ा था, अब इस साइड में भी हम 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ देंगे, 1 2 3। 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ करके दो चैन लेकर के यहीं से टर्न हो जाएंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ तक बुनेंगे। तो चलिए बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। अब हम यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ देंगे, 1 2 3। 3 ठे छोड़ करके दो चैन बना करके यहाँ से टर्न कर लेंगे और हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम आखिरी में पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमने 3 सिंगल क्रोशिया को छोड़ दिया है, 1 2 3। छोड़ करके यहीं से दो चैन लेंगे और इसको टर्न कर लेंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पीछे का जो पल्ला है उसकी कटिंग हमने कर लिया है। अब हम कोई भी कटिंग नहीं करेंगे, अब हमें सीधे सीधे ये 11 इंच तक कंप्लीट करना है। इधर भी हमने कटिंग कर लिया है और इस साइड में हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, सीधे यहाँ पे हम 11 इंच तक बनाएंगे। यहाँ तक हम 11 इंच तक इस पीछे का। देखिए फ्रेंड्स, ये चोली हमने इतना बना लिया है। ये हमारा
मुड्ढे की जो है कटिंग है, और ये हमारा गले की कटिंग है। तो हम पीछे का पल्ला बनाएंगे। पीछे के पल्ले में हमने इतना बना लिया है, यहाँ पर हमने दो बार इसमें कटिंग किया है। एक बार यहाँ पर हमने तीन डबल क्रोशिया छोड़ा है और तीन बार यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ा है। उसके बाद हमने छह लाइनें बना रखी है। छह लाइनें हमने बना दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक एक फंदा हम यहाँ से बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर हम दो चैन लेंगे, इसको टर्न कर लेंगे। यहाँ पर हम इस होल में एक ये दो और एक और तीन बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना कर के ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आएंगे तो फिर से हम इस होल में तीन बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए इतना बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मुड्ढे की कटिंग हमने इतना कर लिया है। एक दो तीन, तीन बार हमने यहाँ पे कटिंग किया है। दो दो डबल क्रोशिया हमने छोड़ दिया है। अब इस साइड में हम गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने तीन सिंगल क्रोशिया छोड़ करके दो चैन लेंगे, इसको टर्न करेंगे और ये हुक जो है हम यहाँ पे डालेंगे। इसको हाफ बिन लेंगे, फिर ये हुक यहाँ पे डालेंगे, इसको भी हाफ बुनेंगे और तीन का एक कर लेंगे। बाकी चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस साइड में हम कोई क्रोशिया नहीं छोड़ेंगे। मुड्ढे की तरफ हम सीधा सीधा बुनेंगे और गले की तरफ हम कटिंग करेंगे। इस तरफ हम सीधा बुन लेंगे, दो चैन लेकर के टर्न कर लेंगे, फिर यहाँ पे हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने बना लिया है। अब फिर से हमें गले की कटिंग करनी है। तो इस वाले हुक में हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, इस वाले हुक में भी हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे और इसको तीन का एक कर लेंगे। फिर से दो चैन लेंगे, इसको टर्न करके
यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनाएंगे और एक यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनाएंगे। अब इसको हम तीन का एक कर देंगे इस तरह से। बाकी सारे चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये गले की तरफ हम आ गए हैं। फिर दो चैन लेंगे, इस तरफ गले की साइड में हम आ गए हैं। अब इसको हम यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से दो चैन लेंगे। अब हम यहाँ पर एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये वाली हाफ क्रोशिया सिंगल क्रोशिया हम चलिए फिर से बता देते हैं। दो चैन हमने लिया, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। बाकी सारे चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, फिर हम गले की तरफ आ गए हैं। अब यहाँ पर जो पीछे हमने यहाँ पे दो का एक किया था, इस वाले राउंड में हम यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दो बार। यहाँ पे हम दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन लेंगे। टर्न कर लेंगे, फिर हर एक चैन में हम हर एक चैन में भी हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हम गले की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे हमने एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया है, एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब दो चैन लेकर के इसको टर्न कर लेंगे। हर एक चैन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम दो लाइन बनाएंगे। चलिए बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और ये गले की कटिंग भी हमारी तैयार हो गई है। तो अब इस धागे को हम यहीं पर कट कर देंगे। अब हम आपको पीछे का पल्ला बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पीछे का पल्ला है। इसमें हमें ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है। शुरू में यहाँ से हमने मुड्ढे की कटिंग शुरू करी थी। अब इस साइड में पीछे के पल्ले में भी हम यहाँ पर तीन सिंगल क्रोशिया छोड़ देंगे। दूसरे राउंड में भी हम यहाँ पे तीन सिंगल क्रोशिया छोड़ देंगे। उसके बाद सीधा सीधा बुनेंगे छह लाइनें। ये छह लाइनें हमने बुन लिया है।
अब इसके आगे हमें क्या करना है, दो चैन लेना है, और इस वाले होल में हमें दो सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये दो सिंगल क्रोशिया हो गया, एक ये जो हमने चैन लिया था और एक ये हमने बना लिया, तो यहाँ पे दो सिंगल क्रोशिया हो गया। अब बाकी सारे चैन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट करना है। लास्ट में जब हम आएंगे तो यहाँ पर भी हमें दो बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो चलिए बना के फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हम दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार दो बार। दो बार हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया, उसके बाद दो चैन ले करके इसको टर्न कर लेंगे और यहाँ पर हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने दो चैन ले लिया। अब इस वाले होल में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बाकी चैन में भी हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना के ये लाइन कंप्लीट करेंगे। लास्ट में यहाँ पर हमें दो बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से हम बुनते जाएंगे 11 इंच तक। जब यहाँ पे हमारा 10 इंच तक हो जाएगा तीरा, तो हम बनाना बंद कर देंगे। तो चलिए हम 10 बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये चोली हमारा बनके तैयार हो गया है। लंबाई हमारी 11 इंच हो गई है, मुड्ढा 6.5 इंच बनाया है, गला जो है वो 4.5 इंच है, ये तीरा हमारा 10 इंच हो गया है। अब इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे, इन दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे। तो चलिए इसको ज्वाइंट करके फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई कर दिया है। इस तरह से अब हम यहाँ पर बटन पट्टी बनाएंगे। बटन पट्टी बनाने के लिए इस तरह से हम धागा ज्वाइंट करेंगे और इसमें हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम हाफ क्रोशिया बना करके ये बटन पट्टी बनाएंगे। इस तरह से चलिए बनाते हैं फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बटन पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे इसका कॉलर बनाएंगे। कॉलर बनाने के लिए हम यहाँ पे दो चैन लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक हम आएंगे, यहाँ तक आएंगे। तो चलिए बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बटन बट्टी बनके तैयार हो गई है। इसमें हमने ये काज बना रखा है और इधर की बटन पट्टी हमने प्लेन बनाया है, जिसमें हमने ये चार बटन लगा रखा है। इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे और ये गले में हमने ये कॉलर बना दिया है। इस तरह से कॉलर बनाने के लिए हमने ये बटन पट्टी का हिस्सा छोड़ दिया है। यहाँ पर हमने धागा ज्वाइंट करके एक लाइन हमने हाफ क्रोशिया बनाया है। उसके बाद हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया है। यहाँ पर और इस कॉर्नर पे एक ही चैन में हमने तीन तीन बार डबल क्रोशिया बनाया है। इस तरह से हमने पांच लाइनें बुनी हैं। ये लाइन बनाने के लिए हमने ये येलो कलर से जो हमने लाइनें बना रखी है उसको हमने ये जो है स्लिप स्टिच से बनाया है। इस तरह से अब हम इस चोली का बाजू बनाना सीखेंगे। अब इसका हम बाजू बनाएंगे। तो बाजू बनाने के लिए हमने ग्रीन कलर से 40 चैन लिया है। एक लाइन हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चैन में एक एक बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए ये बना करके फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक लाइन हमने हाफ क्रोशिया बना लिया है। अब इसको हम येलो कलर से बनाएंगे। दो चैन हमने लिया है। अब हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दो चैन लेकर के हमने इसको टर्न कर लिया है। अब हमें किनारे किनारे एक एक फंदा बढ़ाना है। तो उसके लिए क्रोशिया हुक को हम यहाँ पे डालेंगे। एक ये चैन वाला, एक हमने डबल क्रोशिया बनाया, एक बार फिर से इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमारा तीन डबल क्रोशिया हो गया। अब हर एक चैन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट में फिर से एक ही चैन में तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस साइड में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे और दो डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। एक
दो, इस तरह से तीन डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गया, तीन इस साइड में और तीन इस साइड में। अब फिर से दो चैन लेंगे, एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे और दो डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। बाकी हर चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, अब हम इधर आ गए हैं। अब यहाँ पर हम एक बार यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और दो बार यहाँ पे बनाएंगे, एक दो। तीन डबल क्रोशिया इधर बनाया, तीन डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाया। अब हर लाइन थोड़ा दो चैन बनाएंगे और अब हम दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ये चैन वाला हो गया, एक हमने ये बनाया, तो यहाँ पे दो डबल क्रोशिया हो गया। अब हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से दो डबल क्रोशिया इधर बढ़ जाएंगे और दो डबल क्रोशिया इस साइड में बढ़ जाएंगे। इस तरह से हमें 8 इंच तक बाजू की लंबाई बनानी है। चलिए फिर हम बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ हमारा 8 इंच तक है। 8 इंच बनाने के बाद हमने ये थोड़ी सी कटिंग करी है, तो यहाँ पर हमने तीन डबल क्रोशिया छोड़ करके आगे बुनाई कर लिया है और इस साइड में हमने भी तीन डबल क्रोशिया छोड़ दिया है, फिर इधर तीन डबल क्रोशिया छोड़ दिया है। इस तरह से हमने दो बार कटिंग की है, तो इस तरह से हमारे बाजू की ये देखिए जैसे स्वेटर की कटिंग होती है उस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। अब इसको हम चोली में जोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये धागा हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब इसको हम जोड़ेंगे। इस तरह से यहाँ पे हुक डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे। चाहे तो आप इसे सुई धागा सुई से भी सिल सकते हैं, मैंने फ़िलहाल इस क्रोशिया से ही जॉइंट कर दिया है। इस तरह से इसको हम सिल लेंगे। चलिए सिल करके फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई कर लिया है। अब इस बाजू को हमने सीधा कर दिया है।
अब इस बाजू को हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको हम क्रोशिया से ही सिल देंगे। इस तरह से चारों तरफ से हम घुमा करके इसको सिल देंगे। चलिए सिल करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बाजू हमने जोड़ दिया है इस तरह से। ये चोली हमारी बन गई है। अब इसमें हम नीचे की तरफ फ्रिल बनाना सीखेंगे, तो चलिए बनाते हैं। इस धागे को यहाँ पे जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर हम 5 चैन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे इस वाले हुक में जॉइंट कर देंगे। फिर से हम 4 चैन लेंगे, 2, 3, 4। 4 चैन लेंगे, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर डालेंगे इसको और जॉइंट कर देंगे। फिर से 5 चैन लेंगे, 4 क्रोशिया छोड़ करके यहाँ पे जॉइंट करेंगे। फिर से 4 चैन लेंगे, 3 ठे छोड़ करके यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने 1 चैन लेकर के यहाँ पर हाफ क्रोशिया बना लिया। अब इस वाले चैन में हम 10 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10। अब इस वाले में हाफ क्रोशिया बना के ज्वाइंट कर देंगे। अब फिर इसमें 10 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार,
पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस। फिर इसको यहाँ पे हाफ क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने दो चैन ले लिए हैं, यहाँ पे तीन चैन हमने लिया है। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन लेंगे, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर इस वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चैन लेकर के इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से, फिर चैन लेकर के इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चैन लेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे नौ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम हाफ क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। फिर तीन चैन लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। ये पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हम दो चैन लेंगे, इसको टर्न कर लेंगे, अब यहाँ पर हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से चैन लेंगे, फिर इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से चैन लेंगे, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चैन लेंगे, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। दो लाइनें हमने ये बना लिया है। अब हम येलो कलर से आउटलाइन बनाएंगे। तो एक, दो, तीन चैन लेंगे और यहाँ पे हाफ क्रोशिया बना देंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे। एक, दो, तीन चैन लेंगे, हाफ क्रोशिया बना देंगे, फिर तीन चैन लेंगे,
यहाँ पे हाफ क्रोशिया बना देंगे। फिर तीन चैन लेंगे, यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनाएंगे। फिर तीन चैन लेंगे, यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रिल हमारा बनके तैयार हो गया है, ये ड्रेस भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये हमने नीचे साइड में फ्रिल बना दिया है। वे 21 नंबर के कान्हा जी की चोली बन करके पूरी तरह से। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।